तुमच्या राज्य संघटनेचा हे जे आदेश आहे हे तुम्ही फॉलो करून झालं, ठीक आहे ना? परंतु तुम्ही महाराष्ट्र सरकारच्या 2017 2018 2021 हे जी आर मान्य आहे का तुम्हाला की बांधकाम कामगारांची 90 दिवसाचा प्रमाणपत्र देण्याचा अधिकार प्राधिकृत अधिकारी म्हणून ग्राम विकास अधिकारीला ग्रामीण स्तरावर आहे, हे तुम्ही मानणार आहे की नाही, हो की नाही, या उत्तर द्या फक्त. तुम्ही महाराष्ट्र सरकारचा जे जी आर आहे, तो जी आर मान्य आहे, तुम्ही संघटनाचा जे तुमचा निर्णय आहे, तुम्ही म्हणता आम्ही दाखलाच ना देणार, जी आर म्हणता तुम्ही दाखला द्या, द्या द्या. आम्ही डेप्युटी शिवला हे सुद्धा पत्र दिलं की या बाबतीत आम्हाला लेखी मार्गदर्शन करा की आम्ही सहाय्य कशा प्रकारे करायचे, काय त्याचे डॉक्युमेंट घ्यायचे, ते जोपर्यंत आम्हाला मार्गदर्शन नाही तोपर्यंत आम्ही करणार नाही. शासनने एवढा मोठा मार्गदर्शन दिला हो साहेब तुम्हाला, बरोबर आहे ना? मग कलेक्टरची काय आवश्यकता आहे मग त्याचे शासनाचे मार्गदर्शन? म्हणून तुम्ही दाखला देणार नाही तुम्ही बांधकाम कामगार आले त्यांना कंत्राट करायचे? साहेब गावामध्ये अराजकता माजू शकते हे लक्षात घ्या तुम्ही. मी सध्या त्या बांधकामकर ज्या सही करणार नाही त्याच्यासाठी कंत्राटदाराच्या सह्या सुद्धा चालतात. मी तो नमुना सध्या कॉन्ट्रॅक्टदार जे आहे का नाही हे 2000 रुपये वसुली करून राहिले गरीब कामगारांचे 2000 रुपये, म्हणून तुम्ही शासकीय अधिकारी आहे ना हो? जे त्या कामगाराच्या काम करतील त्याचे पैसे द्यायचं काय काम आहे? त्याला पैसे द्यायचं काम नाही, म्हणजे त्याची मजबुरी आहे ना, त्याची मजबुरी आहे ना. तुम्ही प्रायव्हेट अधिकारी, तुम्ही प्रायव्हेट गव्हर्नमेंट ठेकेदार जाऊन भेटता ना, तुम्ही जिथं काम करता त्यांच्या सहाय्या घ्या ना. गव्हर्नमेंट ठेकेदार हो ना आपको? गव्हर्नमेंट ठेकेदार की तरफ जाते क्या बाबा? गव्हर्नमेंट ठेकेदार की तरफ जाता तू? गाँव में इधर गवर्नमेंट ठेकेदार के पास में जाते क्या तुम? गवर्नमेंट ठेकेदार के पास में जाते? गवर्नमेंट ठेकेदार के पास में जाते क्या सिग्नेचर? काम पर उनके जाते? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है. बस साहब यहाँ पर गवर्नमेंट ठेकेदार जो है ना गिने चुने एक दो मिले तो मिले, उसके बाद में ये गरीब कामगार अगर किसी के पीछे जाकर जो है काम अगर कर लेते, मजदूरी अगर कर लेते, तो वो आप बोल रहे सर्टिफिकेट लाओ गवर्नमेंट ठेकेदार का. अब वो गवर्नमेंट ठेकेदार के पास में जाएगा, ठेकेदार उसका बीमा भी निकालेगा और बीमे के अलग पैसे लेगा और इसके अलग ले रहा करके ऐसे 2000 रुपए की वसूली चालू है कामगारों से. जबकि आप शासकीय अधिकारी होने के बाद में आपको 2017 में 2018 में 2021 में ये जीआर गवर्नमेंट ने बना कर दिया, नियम गवर्नमेंट ने जो है तो तमाम ग्राम सेवकों को बना कर दी कि आप ग्रामीण स्तर पर जो है 90 दिन का प्रमाण पत्र इश्यू करेंगे. तो आपको जीआर मान्य है या आपके संगठन का निर्णय मान्य है, खाली इतना खुलासा कर दीजिएगा साहब. मतलब जीआर ही मान्य है, राज्य भर आप बोल रहे हैं मेरे को शुगर भी है और मैं शक्कर भी खाता हूँ करके, आप बोल रहे मेरे को शुगर भी है और मैं शक्कर भी खाता हूँ करके, ये चलने वाला नहीं. एक तो शक्कर खाओ, एक तो शुगर का परहेज करो. जो निर्णय आया नहीं तो आप अगर आप अभी क्या बोल रहे हैं मेरे को जी आर मान्य है तो फिर मेरा ये अधिकार है कि आपको जी आर को अमल बजावनी करने लगाना. एक पंचायत का प्रतिनिधि होके आप अमल बजावनी करिए, जी आर मान्य है तो आप दीजिए कामगार को जो है तो 90 दिन का प्रमाण पत्र दीजिए. आप मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको क्योंकि आपको जी आर मान्य है. आपको अधिकारियों की लेखी आने तक के जो है तो जी आर मान्य नहीं है क्या? मैं अधिकारी लेके आने के बाद ही दूंगा. मतलब अधिकारी आपके नजर में शासन से बड़ा है क्या? वही भी शासन है, अधिकारी भी शासन है ना? नहीं, शासन से बड़ा है क्या? महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जो ठहराव निकाला गया, जो कानून बनाया गया, वो कानून से ज्यादा है क्या कलेक्टर आपके नजर में? महाराष्ट्र सरकार से बड़ा है क्या भाई? डिप्टी सीओ को दिया है, डिप्टी सीओ भी बांधकाम कल्याण आयुक्त को दिया है. साहब मैं क्या बोलता, बांधकाम कल्याण मंडल का जो है तो 2007 का निर्णय है कि ग्राम विकास अधिकारी ग्रामीण स्तर पर जो है 2007 का नियम है बांधकाम कामगार विभाग का, आप निकाल के देख लीजिएगा कि ग्राम विकास अधिकारी ग्रामीण स्तर पर बांधकाम कामगारों को 90 दिन का प्रमाण पत्र इश्यू करेगा. क्यों बोला उसने? क्योंकि शासन ने उसको बोली थी करके कि बांधकाम विभाग ठहराएगा प्राधिकृत अधिकारी, उसने ठहराया. ठहराए बाद में जो है तो 2021 में कामगारों के लिए
राज्य सरकार की तरफ से एक निर्णय आया करके कि कामगारों से धड़क मुहिम राबने बाबत। अब सरकार बोल रही क्या कामगारों की धड़क मुहिम राबो करके, आप बोल रहे नहीं नहीं मैं सिक्का ही नहीं दूंगा। क्यों नहीं देते भाई? नहीं, हमारे ग्राम सेवक संगठन का ऐसा बंद करा हुआ है। तुम्हारी संगठन ज्यादा अजीज है कि हमारा शासन का रूल है? आप संगठन को पंचायत के सभागृह के बाहर रख के आओ, हमारा आपको बोलना कुछ भी नहीं, आप अपनी संगठन में रहिए। लेकिन शासन का जीआर जो है, ये कामगार आज जितने खड़े हैं, ये तमाम ये नजर लगा के बैठे हैं कि साहब को शासन का रूल बड़ा है या उनके संगठन का रूल बड़ा है, ये देखना चाह रहे, वो भी सुनना चाह रहे करके। हमको तो पता चले कि अब चारों जगह बंद होगा करके हमको उससे कोई लेन देन नहीं, पूरे हिंदुस्तान में बंद रह जाए हमको कोई लेन देन नहीं। लेकिन महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जो हुकूमत के रूल्स है, जो उनकी गाइडलाइंस है, उसको सरकारी अधिकारी फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे, ये हमको जानना है सर। और अगर आप नहीं करते हैं तो आप भी बोल दीजिएगा आपके, मैं नहीं देने वाला कामगारों को, हम यहाँ पे क्वेश्चन पर बैठने वाले हैं, बोल दीजिए। या तो आपको बोलना पड़ेगा मेरे को जीआर मानने है तो मैं दूंगा, आपको बोलना पड़ेगा आपको जीआर मानने है तो हम लोग प्रतिनिधि की हैसियत से आप पर फोर्स करेंगे, आपको हक से बोलेंगे कि आपको जब जीआर मानना है तो हमारी जो हम लोक प्रतिनिधि जो है तो हमारे लोगों पर, हमारे नागरिकों पर फिर जो है तो आप 90 दिन का प्रमाण पत्र पड़ताल नहीं करके दीजिए, हम आपको भी आपके भी अस्तित्व को जो है तो धोखा नहीं आने देंगे। ये बात साहब आप हमको, हम आपसे जो है तो वादा कर रहे हैं, हम आपको किसी भी तरीके से धोखे में नहीं डालेंगे। लेकिन आप जो है बांधकाम कामगारों की पड़ताल नहीं करके, आप लोग प्रतिनिधियों का सहयोग लीजिए उसमें, भाई इनके पास में कितनी जमीन है उनका 7-12 चेक करिए आते थे पहले नाम से, सब कर सकते हैं आप जो है तो। और क्यों? क्योंकि इसमें एक्चुअल कामगार, आप जो बोल रहे ना कि हमारा गुना दाखिल हुआ वहां पे बुल्ढाना के अंदर, इनके ग्राम सेवक संगठन के कुछ लोगों पे जो है तो गुना दाखिल हुआ, तो गुना दाखिल क्यों हुआ? करे होंगे कुछ कुछ इन बना। अरे भाई अगर तुम जो है तो काश्तकार को या फिर जो है तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कामगार नहीं है अगर उसको तुमने दे दिए, होंगे जरूर होंगे अगर किसने ऑब्जेक्शन लिया तो। ऐसे ही हम बोल रहे हैं कि तुम गांव वालों की भी जो है तो पड़ताल नहीं करिए, पड़ताल नहीं करके दीजिए। 23 सितंबर 2021 का शासन निर्णय है, नोंदणी करना, नोंदणी अधिकाऱ्यांना विभागाचे नाव, अपर कामगार आयुक्त, कामगार उपायुक्त, सहायक कामगार अधिकारी, सरकारी कामगार अधिकारी, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला ये 23 सितंबर का साहब, ये जी आर, ये जो जी आर है ना, ये साहब मैंने पानी में मिला के पिया हुआ हूँ। इसमें लिखा है कि ग्राम सेवक ने प्रमाण पत्र नहीं देना चाहिए। सुनो ना मेरी बात, क्या बताया हुआ है उसमें? नोंदनी अधिकारी ग्राम सेवक का प्रमाण पत्र, तुम नोंदनी अधिकारी है क्या? तुम नोंदनी अधिकारी है क्या? तुम प्राधिकृत अधिकारी है? कुछ बहस करके काम नहीं, बहस बोले तो मैं पब्लिक यहाँ पे जब गांव के नागरिक खड़े हुए प्रतिनिधि बोल के मेरे को बोलना है क्या? मेरा अभी बोल रहा हूँ मैं तो आपको बोला है ना, बैठिए आपको लेके आता नहीं तब तक हम नहीं दे सकते। मैं क्या बोला? ये अभी जो आपने जी आर बताया ना उसमें नोंदनी अधिकारी लिखा हुआ है, आप नोंदनी अधिकारी नहीं है, आप प्राधिकृत अधिकारी है। हाँ साहब, दूसरा मेरा ये बोलना है उसमें कि कामगारों के लिए एक भारत सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पीएम विश्वकर्मा योजना को लाया जो है तो। अब प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में भारत सरकार ने राजमिस्त्रियों की इनकी 11-11 दिन इनकी ट्रेनिंग ली है, इनके एग्जाम लिए साहब उन्होंने। फावड़ा कैसा उठाते तुम, घमेला कहाँ डालते पहले तुम, हा? लेवल कैसी आती, ये सारे इनके ट्रेनिंग लिए गई, उसके बेस पर जो है तो एग्जाम लिया गया, उसके बेस पर साहब जो है तो ये साहब उसके बेस पर एग्जाम लिया गया साहब। आप देखिए ना नजरे गरम साहब, साहब मैं क्या बोला, साहब मैं क्या बोला, ये पीएम विश्वकर्मा, ये पीएम विश्वकर्मा योजना का सर्टिफिकेट है, ये मोदी जी का इतना बड़ा फोटो भी लगा हुआ है साहब यहाँ पे, आप इसको मानेंगे नहीं मानेंगे, ये राजमिस्त्री है नहीं है, ये राजमिस्त्री भारत सरकार ने जो उसको अधिकृत वेबसाइट से सर्टिफिकेट निकाल के दी, आप इनको स्टैंप देंगे नहीं देंगे बोलिए आप, अब आपका टेस्ट है यहाँ पे, नहीं देंगे इनको, यानी भारत सरकार ने जिसको अधिकृत करके राजमिस्त्री बने वो भी आपके नजर में कामगार नहीं है, बोलिए।
अभी मैं शायद इस कामगार के अर्ज पर देता हूँ। आप इस पर बोलिए साहब, विश्वकर्मा, वो विश्वकर्मा वेगड़ी योजना है, सारा वेगड़ा है, एक आधे जन मिक्स करें कोई काम नहीं, तुम्हारा ऑनलाइन कर ला क्या बोलता है, ये भारत सरकार का सर्टिफिकेट है जनाब, बांधकामगार वेगड़ा है, अंतिम वेगड़ा है, ये भारत सरकार का सर्टिफिकेट है, अधिकृत वेबसाइट से निकाला हुआ है, जहाँ पे जो ये राजमिस्त्री जो है तेरे तेरा मुझे लोन भेटना है, बिगर वे लोन भेटना है, नहीं तो ये आपके नजर में कामगार है नहीं है, भारत सरकार राजमिस्त्री बोल रही है ना, हाँ। तो फिर दो ना साहब, नौवां दिन का प्रमाण पत्र दो ना इसको, मुझे देते इनको तो दो, नहीं नाम देख लेंगे तुम अभी नहीं, तो इनको तो दो, नहीं 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 11 दिन की ट्रेनिंग होती, 11 दिन की ट्रेनिंग होती इनकी, दो एग्जाम होते हैं इनके, उसके बाद में सर्टिफिकेट मिलता है, 11 दिन की जो है, 11 दिन की ट्रेनिंग इनकी होती जो है, तो इनको एग्जाम होते हैं इनके, उसके बेस पर ये सर्टिफिकेट जो है तो इनको बना के दिया जाता करके। तो साहब हमारा बोलना आपसे यही है कि आप बांधकाम कामगारों पर जितनी सख्ती अड़गांव में कर रहे हैं उतनी सख्ती तालुका में कुछ ग्राम पंचायत ऐसे है कि जो दे रहे जो दाखले उनको जो है तो दे रहे हैं करके। तो इसलिए इसलिए साहब हमारा बोलना यही है कि आप 90 दिन का प्रमाण पत्र कामगारों को अड़गांव के अंदर इशू करिए, और आप अगर शासन के जीआर को अगर फॉलो करते होंगे, आप बोले कि मैं शासन के जीआर को मानूंगा, तो आप अगर मानते होंगे तो हमारा हक बनता है कि आप पर जो है तो ये बात पहुंचाना आप तक करके कि आप कामगारों को दीजिएगा, ये हमारा हक है। और अगर साहब अगर आप नहीं देते हैं तो फिर ये हमारी भी निराशा आने वाली है, कामगारों की भी निराशा आने वाली है, इसमें किसको कोई फायदा नहीं है। कामगारों को अभी शासन ने 2024 में 3 GR निकाली है, अभी 2024 के 3 हेल्थ में, हेल्थ डिपार्टमेंट के तहत आरोग्य विभाग में शासन ने उनको जो है तो 3 GR ऐसे निकाली जिसमें कामगारों की सेहत के लिए, जिसमें कामगारों की सेहत के लिए साहब हाँ मैं क्या बोलूँ, अभी इससे थोड़ा चर्चा और लम जाएंगी, थोड़ा सा नाम लिखा मैंने, हाँ जी किसका है वो, हाँ जी। तो साहब मैं जो है ना साहब, तो आरोग्य विभाग के तरफ से जो है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से 2 GR निकाले गए अभी 2024 के बांधकाम कामगारों को आरोग्य के लिए उनको कौन कौन से योजना को रबवाना है करके, ये अभी 2024 में इम्प्लीमेंट होने वाले हैं, जिसमें अगर कामगार का रिन्यूअल नहीं होगा, उसका नूतनीकरण नहीं होगा, आप उसको सही सिक्का नहीं देंगे तो वो उसका आरोग्य का जो है तो हेल्थ का जो है तो वो योजना का लाभ नहीं ले सकता, वो उसकी हेल्थ की ट्रीटमेंट नहीं करा सकता अगर आप उसको सिग्नेचर नहीं देंगे। तो आप इसका मतलब संगठना के आड़ में, आप संगठना के आड़ में उसका आरोग्य भी बर्बाद कर रहे, उसका जिस्म भी बर्बाद कर रहे, उसका हक से भी उसको महरूम रख दे रहे। साहब आप करना क्या चाह रहे कामगारों के साथ में, हमको ये जानना। हाँ तुम साहब देखिए, इसका मतलब ये कामगारों के जान के साथ में खेल ले रहे आपको जी।